वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद नेता आजम खान से मुलाकात की। अखिलेश करीब डेढ़ घंटे तक जेल में अंदर रहे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बात की। अखिलेश ने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आजम के परिवार को सरकार परेशान कर रही है, भाजपा के झूठे मुकदमों का रिकॉर्ड बना रही है। वहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर भाजपा जवाब नहीं देती है, अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। में कोई रहे और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं, तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। देखते और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की, एक परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा, अरे शांत रहो, परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा होगा। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का।